बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्वागत है आपका इल्म की तख्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल देखना। आज की इस वीडियो में जो बयान किया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ख़ास तौर से वो मर्द औरत जिनकी शादी हो चुकी है। एक भाई का सवाल आया है कि सर ये बताइए कि हफ्ते के अंदर बीवी से हमबिस्तरी कितनी मरतबा करनी चाहिए। मतलब उसका कहने का ये है कि एक हफ्ते में यानी 7 दिन में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कितनी मरतबा करें, मतलब हफ्ते में 2 मरतबा करें या 3 मरतबा करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि एक हफ्ते में बीवी से हमबिस्तरी कितनी दफ़ा करें, अपनी सेहत का ख्याल हम कैसे कर सकते हैं कितनी दफ़ा हमबिस्तरी करके। जिस भाई ने सवाल किया वो भाई कह रहे हैं कि मैं हफ्ते के अंदर 5 मरतबा हमबिस्तरी करता हूँ, 5 मरतबा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स 5 मरतबा यानी 7 दिन में 5 मरतबा हमबिस्तरी कर रहा है अपनी औरत से, तो उसकी सेहत कैसे महफूज रह सकती है। तो मेरे भाई, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये जवानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी से हफ्ते के अंदर 7-8 मरतबा हमबिस्तरी करें। तो सही तरीका ये है कि हफ्ते के अंदर अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है और आप चाहते हैं कि मेरी सेहत महफूज रहे, अच्छी रहे और मेरे अंदर फुर्ती रहे, तो आप हफ्ते के अंदर कम से कम 2 मरतबा हमबिस्तरी कीजिए। औरत से भी कहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा हफ्ते के अंदर हमबिस्तरी हमें करनी है। बात समझ रहे हो नहीं? तो आपको परहेज करना है तो इसकी आदत बना लीजिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी सेहत की हिफाजत करनी है तो अच्छी बात है, कम से कम 2 हफ्ते के अंदर आप 1 मरतबा अगर हमबिस्तरी करें तो ये और अच्छी बात है। तो इससे सेहत में इजाफा भी होगा, सेहत महफूज भी रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।